हेलो दोस्तों, आज बात करेंगे मिनी टैब को यूज़ करके सीपीसीपी के और पीपीपीपी के कैसे निकालें। मिनी टैब सॉफ्टवेयर का यूज़ सिक्स सिग्मा में किया गया है और इसकी मदद से हम प्रोसेस कैपेबिलिटी एनालिसिस करते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं। तो मिनी टैब 17 मैंने यहाँ पर डाउनलोड करके रखा हुआ है, जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, और मैंने कुछ डाटा भी लेके रखा हुआ है। तो मैं यहाँ पर मिनी टैब लॉन्च करता हूँ तो कुछ ऐसा दिखाई देगा दोस्तों। आप लोग जैसे मिनी टैब को ओपन करेंगे तो इस तरीके से आएगा। अब देखिए, मैंने सैम्पल डाटा ये लेके रखा हुआ है 24 पीसों का, तो यह रीडिंग रखी हुई है मैंने एक डायमेंशन की। ऐसी मैंने एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, मान लीजिए आपका 15 यहाँ पर कोई डायमेंशन है 15 में, तो इसके मैंने जो भी सैंपल लिए हुए हैं वो मैंने कॉपी करके सबसे पहले इसमें पेस्ट करूँगा मिनी टैब पे। तो इसमें जो C1 वाला कॉलम है जहाँ से नंबरिंग आ रही है 1-2, वहाँ से आप पेस्ट कर देंगे नीचे को। तो इस तरीके से मैंने ये पेस्ट कर दिया। अभी ये देखिए मेरे पास लगभग 24 रीडिंग है ये। तो अभी मैं दिखाता हूँ इसमें कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो आप ऊपर जाएंगे यहाँ पर स्टैट में जाने के बाद ऐसा कुछ ऑप्शन खोलेंगे, तो यहाँ पर उसके बाद बेसिक स्टैटिक्स में आप जाएंगे। तो फिर उसके बाद भी यहाँ पर कई सारे ऑप्शन खोलेंगे, तो सेकंड नंबर पे स्टोर डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स में आप चले जाएंगे, इसमें क्लिक करेंगे। तो इसको क्लिक करके कुछ इस तरीके से खुलेगा। तो ये वेरिएबल्स वाला जो ऑप्शन है पहला, इसमें यहाँ पर C1 जो आपका ये कॉलम दिखा रहा है उसमें क्लिक करके सेलेक्ट कर लेंगे इसे। तो जो C1 है वो यही आपका, ये देखिए यहाँ पर आपने C1 में डाटा लिया हुआ है जो भी अपना, वो C1 है आपका। उसके बाद आप स्टैटिक्स में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कई सारे ऑप्शन खुल जाएंगे, इनमें से जो जो आपको चाहिए उस पर आप क्लिक कर लेंगे। जैसे मैंने करा यहाँ पर मीन करा, स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए कर लिया, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कर लिया, मीडियन कर लिया मैंने, मिनिमम मैक्सिमम रेंज और क्यूमुलेटिव परसेंटेज। तो मेन जो यूज़ है मैं उन्हीं को अभी ले रहा हूँ। तो यहाँ पर बाकी भी इसके अलावा भी और चीज़ें हैं, जो भी आपको ज़रूरत हो उस हिसाब से आप यहाँ पर ले सकते हैं क्लिक करके। तो ये ओके करेंगे और दोबारा से ओके करेंगे तो ये आपका देखिए मीन और ये सारी चीज़ें आपकी आ जाएंगी। तो ये पूरी रीडिंग आ चुकी है, मैं थोड़ा ऊपर करके दिखा देता हूँ। ये देखिए सबसे पहले मीन आपका निकल चुका है, उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन यहाँ पर निकल चुका है, फिर कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आ गया है, मीडियन आ गया है, उसके बाद मिनिमम मैक्सिमम और रेंज, फिर क्यूमुलेटिव परसेंटेज। तो जो जो मैंने सर्च करा था वो सारा चीज़ यहाँ पर आ चुका है। तो ये काफ़ी सारा हेल्पफुल चीज़ है। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ दोस्तों कैसे सीपीसीपी के पीपीपीपी के यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे इसी की मदद से। तो स्टैट्स में जाएंगे फिर से, उसमें अभी नीचे आएंगे थोड़ा, तो नीचे आके यहाँ पर क्वालिटी टूल्स आ रहा है दोस्तों। क्वालिटी टूल्स में आके यहाँ पर काफ़ी और चीज़ें भी खुलेंगी, रन चार्ट, पैरेटो चार्ट ये खुलेगा। तो यहाँ पर नीचे आएंगे कैपेबिलिटी एनालिसिस में, इसमें पहला ही ऑप्शन है नॉर्मल, तो इसको सेलेक्ट कर लेंगे आप। ये सेलेक्ट करने के बाद कुछ इस तरीके से खुलेगा जिसमें कि सिंगल कॉलम है। तो सिंगल कॉलम में आप ये सेलेक्ट कर लेंगे C1 वाला कॉलम, इसको सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद सब ग्रुप साइजेस पूछे गए। तो नॉर्मली सब ग्रुप साइजेस क्या होते हैं कि जो आप सैंपल लेते हैं नंबर ऑफ सैंपल वन टाइम, तो ये 5 ही होते हैं लगभग हर किसी के। तो मैंने 5 डाल दिया। उसके बाद लोअर स्पेसिफिकेशन है, तो मैं यहाँ पर अपनी जो रीडिंग ले रखी है उसके अनुसार मैं एक एग्ज़ाम्पल के तौर पर ले रहा हूँ 15.00 यहाँ पर ले लेता हूँ, और अपर स्पेसिफिकेशन ले लेता हूँ 15.50। तो आपके जो भी लोअर और अपर स्पेसिफिकेशन होंगे आप वो डाल सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद ओके करेंगे तो ये देखिए प्रोसेस कैपेबिलिटी रिपोर्ट यहाँ पर आ जाएगी, जिसमें कि पूरा सारा का सारा चीज़ आ जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे तो प्रोसेस डाटा जो आया है वहाँ पर सबसे पहले LSL आ रहा है, उसके बाद टारगेट आ रहा है, USL आ गया, सैंपल मीन, सैंपल N। तो सैंपल N जो है वो जितने आपने सैंपल लिए हैं टोटल वो आता है यहाँ पर, स्टैंडर्ड डेविएशन ओवरऑल है और स्टैंडर्ड डेविएशन विद इन है। तो उसके बगल में यहाँ पर ग्राफ आ रहा है, देखिए दोस्तों यहाँ पर USL और LSL के बीच में यहाँ पर ग्राफ बना हुआ है, जो कि हमारा ग्राफ बनता है ऑलरेडी। तो ये हमारी प्रोसेस को दर्शाता है कि कहाँ पर हमारी प्रोसेस चल रही है। उसके बगल में ओवरऑल जो कैपेबिलिटी है दोस्तों, वहाँ पर देखिए PP हमारा कैलकुलेट होके आ गया है, PPL आ गया है, PPU आ गया है, PPK भी आ गया है। तो इस तरीके से यहाँ पर रीडिंग निकलती हैं। उसी के नीचे पोटेंशियल कैपेबिलिटी आ गया है दोस्तों, जिसमें CP
CPL, CPU, CPK ये सारे कैलकुलेट होकर आ चुके हैं। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर CPK और PPPK यहाँ पर वैल्यू मिल जाती है दोस्तों। बहुत ही आसान है यह सॉफ्टवेयर, तो इस तरीके से आप यहाँ पर निकाल सकते हैं रिपोर्ट को। उसके बाद ये प्रोजेक्ट को आप सेव भी करना चाहते हैं, तो जैसे आप यहाँ पर ये सारा निकलने के बाद अगर आप ये कैंसिल भी करेंगे तो ये पहले सेव करने के लिए ही पूछता है। तो ये देखिए इस तरीके से आप यहाँ पर यस, अगर आपको सेव करना है तो यस, नहीं करना है तो नो। तो इस तरीके से आप ये CPCPK निकाल सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आप भी इस सॉफ्टवेयर का यूज़ करके CPCPK आसानी से आप निकाल सकते हैं ना, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। दोस्तों अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर नहीं किया है तो तुरंत करिए और बेल आइकन